नमस्कार, विभाग बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ में। बीच बीच में बड़ी अफवाहें चलती रहती हैं कि कुछ राजनीतिक घमासान चल रहा है छत्तीसगढ़ में। ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बहुमत से सरकार आई, लोगों को बड़े आश्चर्य में डाल के सरकार आई। इतनी संख्या में आ सकता है ये अनुमान किसी को नहीं था, हम लोग को भी नहीं था। इतनी ये अनुमान तो शायद बीजेपी को भी नहीं था, किसी को नहीं था। सही पूछिए, हम लोग की गवर्नमेंट बनेगी ये मेरे को भरोसा था। मीडिया से भी बात होती थी तो 52+ आएगा, 60 तक आ सकता है, कुछ हुआ तो शायद ऊपर भी जाए, ऐसा अनुमान था। लेकिन इतनी सीटें और इतने मार्जिन से आएंगी ये अंदाज नहीं था। तो ये लोगों का बहुत बड़ा साथ मिला और उस पर काम चल रहे हैं। जो घोषणा पत्र बना उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसकी बैठकें भी हो रही हैं, सब विभाग को खबर भी। ये अफवाह, ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये बीजेपी के जरिए शुरुआत हुई या कांग्रेस खेमे से ही शुरुआत हुई कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार में? ये लोग आकलन करते हैं अपना परिस्थितियों का, कैसा चल रहा है, कैसे व्यवहार है, उसी हिसाब से कहीं कोई घटना हो गई तो उसको देखिए दुनिया है, देखती है। तो उसमें ये कहना कि कहीं भी कुछ नहीं है ऐसी भी बात नहीं होती है, सही। लेकिन हम लोगों में इतनी मैच्योरिटी है कि हर परिस्थिति में जो लक्ष्य हमारा है कि लोगों के लिए काम करना है, उसमें कोई चीज़ बीच में आड़े नहीं आए। भूपेश जी का काम कैसा है इस समय? अच्छा, ठीक है, अच्छा चल रहा है, स्ट्रॉन्ग व्यू के हैं, करना है तो करना है, ये उनका एक पुश रहता है। तो कामों को पुश मिलता है कि इसको ये करना है, ये उनका मुख्य रूप से तरीका है। कुछ उन्होंने कार्यक्रम पकड़े हैं कि ये घोषणा पत्र में से कुछ आइटम उठा के कुछ नए योजनाओं को लेके, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये एक उनकी मन से लगी हुई बात। वाटर कंजर्वेशन से वो काफ़ी वैचारिक स्नेह रखते हैं, लगाव रखते हैं। मुझे याद है विपक्ष में हम लोग थे उनके साथ, जब भी वो बोलते थे उनके क्षेत्र में भी घूमने ले जाते थे तो एक बार पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में घुमाए और कहे महाराज देखिए यहाँ मैंने ये कराया, यहाँ बिल्कुल पानी नहीं था, अब ये डाइक बनाया, यहाँ ऐसा किया, और सब पानी भरा रहता है नालों में। तो महसूस भी हो रहा था कि कैसे उनको खुशी थी उस बात का। तो अभी मौका लगा है तो उसको प्रदेश भर में उस योजना को ले जाना और क्रियान्वित करके उसको एक स्वावलंबी मॉडल बनाना। एक नाले को आप बना सकते हैं, एक जगह आप गौठान बना सकते हैं, एक जगह कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में एक बड़ी व्यापक योजना को लागू करना, उसको सफल बनाना, ये हाथ पकड़ के आप नहीं चला सकते किसी भी काम को। सरकार एक सीमा के आगे नहीं चला सकती, उसकी आर्थिक सीमाएं रहती हैं। तो ये हम लोगों की शुरू से ही सोच थी कि इसको आत्मनिर्भर योजना बनाना है। आप लोगों ने जो वादे किए थे, एक बड़ी बात होती है कि साहब हमने इतने वादे किए थे, इतने में से पूरे कर दिए। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो वो रोज़ ये बताते थे कि हम इतने वादे पूरे कर चुके हैं, अब हमारे 100 हो गए, 150 हो गए। तो आपके यहाँ भी ऐसी कोई काउंटिंग चलती है? चल रही है, हम लोग भी काउंट करते हैं। जवाबदेही लोगों के प्रति भी है, मीडिया के प्रति भी है, विपक्ष भी बातों को उठाता है कुछ नहीं किया। उनका तो एक लाइन रहता है कि कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ा के कहते हैं छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हुआ। ये जो हैं घोषणा पत्र है ये तो ऐसे ही हैं, खोखले वादे हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, जो किया उस पर तो बोलते नहीं, क्योंकि 60 साल में तो हिंदुस्तान में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज आप मार्स में पहुँच रहे हैं तो बीजेपी की सरकार है, 6 साल पहले तब मार्स में हम पहुँच गए। ये भाखड़ा नंगल बना उड़ने थोड़ा ना बनाया कांग्रेस ने, वो तो गवर्नमेंट आई तो देखिए भाखड़ा नंगल से पानी मिल रहा है, रायपुर में आपका भिलाई स्टील प्लांट बना। ये कहीं सोशल मीडिया तो हावी नहीं हो गया पॉलिटिक्स के ऊपर? इनका तरीका है, देखिए हर आदमी एक योजना बना के काम करता है, इनका ये तरीका रहा है। 1977 का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत निराशाजनक था, इंदिरा जी भी वो चुनाव हार गई थी, उत्तर कठिन था, उसके बाद एक तरह से कांग्रेस साफ हो गई थी देश में। हाँ, दो सीट नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत क्षेत्र में दो सीटें कांग्रेस की आई थी। और उस चुनाव में मैं सक्रिय राजनीति में तो नहीं आया था, लेकिन मम्मी के लिए काम करना, खबर पहुँचाना, इस तरह का मैं काम करता था। मैंने दो घटनाएँ उस समय देखी थी कि प्रचार का प्रभाव कैसा रहता है। एक गाँव में गया मैं तो लोगों ने कहा कि
वो रामायण के उस खंड में, बाल खंड मान लीजिए या कोई खंड ले लीजिए, उसमें उस पन्ने में आपको बाल मिलेगा। मैं कॉलेज से पढ़ के पहुंचा था, मेरे लिए सारी नई बातें थी, नए जमाने का, अब तो जमाना और नया हो गया, जबरदस्त सफा थी पूरे देश में। जबरदस्त। और समझ में आता था कि अरे ये कैसे हो रहा है। गांव में गया, जीप, जंगल के भी इलाके होते थे, जीप में जा रहे थे, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में मुठभोजा लेके महिलाएं लकड़ी घर के लिए लेने जाती है और फेंक के भागने लगी। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था कि ऐसा वातावरण बन जाए, तो वो भी मैंने देखा। और नसबंदी का दौर चला हुआ था, मैंने भी अपनी जिम्मेदारी सोची कि भाई कुछ हुआ है तो किसी के साथ जबरदस्ती हुई। एक गांव में गया कि किनके साथ हुआ, तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं, उस गांव में हुआ। उस गांव में जाके पूछा किनके साथ हुआ, कहने वो उस गांव में हुआ। तो कुछ हुआ भी, और कुछ अफवाह इतना कि कोई बाहर से आदमी आ रहा है गाड़ी की आवाज़ सुन के और भाग रहे हैं लोग। तो प्रचार का प्रभाव कितना पड़ सकता मुझे लगता है इसको प्रचार ना कहा जाए, दुष्प्रचार है जी। का। मैं मेरी जबान से शब्द आपने ले लिया कि प्रभार, प्रचार और दुष्प्रचार, उसके दो पहलू हैं। सदप्रचार कह लीजिए, दुष्प्रचार कह लीजिए, लेकिन प्रभाव उसका। और एक चीज़ और, उस ज़माने में जबकि बात टीएस सिंहदेव साहब कर रहे हैं, तब ना तो व्हाट्सएप होता था लोगों के पास में, ना कोई फेसबुक होता था, कोई ऐसा सोशल मीडिया नहीं होता बिल्कुल। था। और सोचे कि मल्टीप्लाई करके आज के समय में 2019 14 के चुनाव के पहले किस प्रकार से व्हाट्सएप में हमारे प्रमुखतम देश के कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को किस खराब चित्रण से प्रस्तुत किया गया। लगातार सोनिया जी के संदर्भ में, मनमोहन सिंह जी के संदर्भ में, कांग्रेस के लीडर्स के संबंध में, सीनियर लीडर्स के संबंध में, इतना मैं सोच नहीं सकता था कि देश की राजनीति में ऐसी भी सोच है जो टॉप मोस्ट लीडरशिप के साथ इस प्रकार का व्यवहार करवाएगी, क्योंकि करवाया ये जाता तो है। दोनों तरफ से चला। फिर रिएक्शन हुआ होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन गंदा चीज़ है ये, और गिरी हुई सोच का एक तरह से आईना दिखाता है ये देश। अगर ऐसे प्रचारों में टिक के आगे जाएगा तो बहुत लंबा आगे नहीं जाता। व्यवस्था, गांधी जी का क्या था कि मंजिल ही नहीं, रास्ता भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो जीतना है चुनाव, वही अकेला आपका लक्ष्य नहीं होता है, कैसे उस मंजिल को हासिल करना वो भी उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। वरना जो आपने रास्ता अपनाया है उसका प्रभाव, कुप्रभाव भी कहीं ना कहीं आपको पकड़ेगा। तो वो खैर आगे की बात है, पर इसका प्रभाव पड़ा। कांग्रेस सोचती रही कि नहीं, हमारा तो मशीनरी है, पार्टी है, हम इतने साल से करते आए हैं, दशकों से रहे हैं, लोग जानते हैं, हर वर्ग के लिए कांग्रेस सोचती है, सबको साथ लेके चलती है, नहीं हमारी बात तो लोगों के पास होगी। परिणाम क्या हुआ, 50 सीट भी नहीं आई। तो कितना असर पड़ सकता है ये उन चुनावों में देखने को मिला। और अब कांग्रेस भी सोशल मीडिया में, मुझे लगता है सिंहदेव साहब के वोटर जो है वो बहुत चतुर है और सोच समझ के निर्णय करता है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह चुनाव हुआ, चौंकाने वाले परिणाम सबके सामने आए, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, तो ये नहीं कह सकते कि ये गलत प्रचार के बाद भी जनता तो निर्णय करती है। छत्तीसगढ़ में जमीनी काम बहुत ज़्यादा हुआ चुनाव के पहले, ये सामान्य से हट के हुआ। चाहे भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में थे, जो हम लोगों ने कार्यक्रम लिए, चाहे मैनिफेस्टो बनाने के लिए जिस जिस तरीका को हम लोगों ने अपनाया आपने तो मैनिफेस्टो को ही जी पूरे जन अभियान बना दिया था। जी तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा, आज तक लोग उसकी बात करते हैं। यानी उसका प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव लोगों के ऊपर उसका पड़ा। और झुटलाने वाली क्या बात रहती है, हमको तो ठगा कि आपने आया बोला हम ये सब करेंगे, अब तो चुनाव हो गया खत्म, जयराम जी वो तो चुनाव के लिए घोषणा पत्र था। ये तो वही विश्वसनीयता आपका, उसको सकारात्मक परिणाम आपको मिले, 5 साल बाद कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे, अफवाह तंत्र अभी भी काम कर रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के को लेके, आपके मुख्यमंत्री जी को लेके, तो लगता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अफवाह में जो माहिर हैं वो तो काम करते ही हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेके कोहिमा तक एक बात पहुंचा देने वाले कि रामायण के फलाने अध्याय में आपको बाल मिलेगा, और उसका मतलब समझ लो कि कांग्रेस का सफाया है।
इसमें जो माहिर हैं वो तो लगे रहते हैं, वो तो अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आपने घोषणा पत्र पढ़ा, उसमें देखा कि कितने बिंदु हैं, 36 प्रमुख लक्ष्य थे। मैं तो नहीं कह रहा 36 पूरे हो गए, लेकिन 36 में 13 से 16 तो पूरे हुए, 2 साल के अंदर 16 तो पूरे हुए। अंदर आप देखिएगा तो 280 बिंदु हैं घोषणा पत्र के, 280 बिंदु हैं। एक एक विभाग का आप कहिएगा तो गिन के आपने एक पहल की थी कि हर आदमी को बहुत आसानी से इलाज मिले, उसकी जांचें हो जाएं, वो लक्ष्य कहाँ तक मिला? पहले से सुधार हुआ है दवाइयों का सिलसिला। अगर आप देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसा प्रबंधन किया जा सकता है कि मैं जाऊं अस्पताल, उसके पहले ला के सारी दवाइयां रख दी जाएं, लेकिन जाके देखने से महसूस होता है कि पहले से बहुत लक्ष्य हासिल करना बाकी है। लेकिन जाके देखिए, दवाइयां वहां पहुंच रही हैं और सुलभ उपलब्ध हैं। एक्सपायरी डेट वगैरह की भी बात आ रही है, उसको भी लेबलिंग करके जो हम लोग खबर दे रहे हैं वैसा काम हो रहा है। तो देखने से लगता है कि नहीं, कुछ तो फर्क है। पाना मंजिल बहुत है, बहुत दूर तक जाना है। अभी यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लक्ष्य से हम काफ़ी पीछे हैं। बजट में पैसा देना, बजट में उसके लिए प्रावधान करना, बिना उसके नहीं हो सकता। आम लोगों की जांचें मुफ्त हों, ये एक आपका बड़ा इस साल आपने सही पूछा। इस साल हम लोग का टारगेट है कि निशुल्क डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी, हम ये कोविड नहीं आता तो अभी तक हो जाता। रायपुर में हमर अस्पताल के नाम पे हम लोगों ने काम चालू भी कर दिया था, और वो कोविड के समय में वो सारा रुक गया। पर इस साल ये फ्री डायग्नोस्टिक्स की बात को हर जिला अस्पताल में और नीचे तक भी ले जाके CHC लेवल पे, हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे कम से कम वहाँ तक तो पहुँचाएंगे। ऐसे तो मितानिन के पास भी किट हैं, सब हेल्थ सेंटर में भी इतने इलाज होंगे। इलाज मतलब जांच आपके हो सकते हैं, मलेरिया का जांच मितानिन करती है, वो भी डायग्नोस्टिक है, तो उस प्रकार की व्यवस्था। सिकल सेल की बीमारी वहाँ काफ़ी चिंता उत्पन्न करती है, जिस समाज में या जिन लोगों को रहता है, बच्चों तक सीधे चले जाना अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कैरियर्स हैं सिकल सेल के। ये तो बहुत लंबे समय से छत्तीसगढ़ में सिकल सेल की प्रॉब्लम है, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में है। तो अभी उसके लिए हम लोगों ने जो कार्य योजना बनाई है, उसमें पॉइंट ऑफ केयर यानी अभी सारे बच्चों का हम लोगों ने जांच करवाया। जांच में 1,03,000 बच्चे सिकल सेल से पीड़ित पाए गए, और आगे की जांच करना कि उनको SA हैं या SS है। अगर SA हैं तो कैरियर है, SS हो गया तो मतलब वो संक्रमित हैं। उसकी जांच के लिए अभी तक हम लोग 35,000 लोगों का ही बड़े अस्पतालों तक पहुंचा के जांच करा पाए थे। 68,000 बच्चों का अभी जांच बाकी था। तो जांच के लिए एक UN की संस्था के साथ हम लोगों ने टाई अप किया, और इसके टेस्ट के किट्स हम लोग ने इंट्रोड्यूस किए हैं, 10,000 उन्हें दिए हैं, बाकी क्रय करेंगे। और पॉइंट ऑफ केयर यानी घर पे जाके आपकी जांच होके आपको जानकारी मिलेगी कि आप सिकल सेल में कैरियर हैं या ग्रसित हैं। तो ये एक बड़ा काम उसको लेके जा रहे हैं, और एक बड़ा डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में सिकल सेल को लेके एक सेंटर है, बड़ा सेंटर है। स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ लोग जिससे काफ़ी प्रभावित भी हैं, तो एक बड़े लेवल का उड़ीसा से बेटर कर सकें तो उस तरह का रिसर्च सेंटर भी हम लोग स्थापित करना चाह रहे हैं। एक जब आप मंत्री बने थे उस समय आपने कहा था कि एक चुनौती मेरे सामने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें भी हैं, और चूंकि विभाग आपसे संबंधित है तो उसमें अब तक कितना काम हो पाया? अभी तक सहयोग से छत्तीसगढ़ लगभग टॉप कर रहा है देश में, जो हमको फिगर आते हैं, जो अधिकारी भी बताते हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। तुलनात्मक छोटे आकार के प्रदेश होने के बाद भी लेंथ ऑफ रोड जो हम लोग को मिली हैं वो काफ़ी संतोषजनक मात्रा में मिली हैं। 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा, 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा, इस साल 5,000 किलोमीटर तक हमको सड़क मिल सकती है काम करने के लिए। PMGSY Phase 3 के रूप में जो उन्नयन का काम होता है, 5 साल तक कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन करता है, 5 से 10 साल राज्य सरकार को मेंटेन करना पड़ता है, 10 साल के बाद में केंद्र सरकार से फिर वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग के नाम पे, सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के नाम पे फिर राशि मिलती है। तो इसमें पिछले साल भी हमको 80 करोड़ से 150 करोड़ के आसपास बोनस राशि केंद्र सरकार ने दी थी कि आप
को जो टारगेट मिला था वो आपने अचीव किया। इस साल अगर हम लोग को बजट में सपोर्ट मिलता है तो 300 करोड़ तक का, 250 से 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि, बोनस की राशि छत्तीसगढ़ लेना चाह रहा है। तो रोडों के निर्माण का एक बड़ा काम जो पंचायत विभाग के पास है, बजट भी जिसमें पर्याप्त मात्रा में रहता है, वो PMGSY का। एक सवाल और था कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के साथ कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन अचानक जो भी परिस्थितियां बनी, विधायक छोड़ गए, जो भी कारण बने, बहुत बड़ा नुकसान यहाँ हुआ। ऐसी स्थितियाँ कहीं छत्तीसगढ़ में तो नहीं बन रही? नहीं, कोई चांस नहीं। छत्तीसगढ़ में संख्या भी इतनी ज़्यादा है कि कोई चांस नहीं, क्योंकि अफवाह तंत्र तो लगातार काम कर रहा है। बिना चटपटा अफवाह के मज़ा कहाँ आता है? तो कुछ ना कुछ उठाते रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। मीडिया में भी ठंडा हो जाएगा मामला, तो कहीं ना कहीं कुछ तो उठाना है, तब तो दर्शक लोगों को भी वो होगा। अक्सर लोग यही कहते हैं, और जहाँ धुआं है वहाँ कुछ तो होगा, तो उसको अगर आप चाहो तो बहुत बड़ी आग भी बना सकते हो। ये परिकल्पना अभी तो हमने देखा नहीं, और वरना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ है। तो वहाँ आप देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान जहाँ पर, या कर्नाटक जहाँ पोचिंग की बात आई, या अन्य राज्य जहाँ पोचिंग की बात आई, उत्तराखंड में BJP एक सुनियोजित तरीके से हर राज्य में इसमें लगी हुई है कि हम किसी तरह से वहाँ को हम तोड़ें, सरकारों को तोड़ें और BJP की सरकार बना दें। जहाँ संभावना है वहाँ उन लोगों ने कर भी दिया, कर्नाटक में भी कर दिया, मध्य प्रदेश में भी कर दिया, राजस्थान में कोशिश किया, लेकिन जो राजस्थान के कांग्रेस के लोग थे उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार नहीं की, यहाँ पार कर दी, वहाँ नहीं पार किया। उत्तराखंड में दिक्कत हुआ, उत्तर पूर्व के राज्यों में ऐसी दिक्कत हुआ जहाँ वो सीमा पार कर दी। छत्तीसगढ़ में वो लक्ष्मण रेखा पार करना तो दूर, सबके सब बहुत अंदर घर में रहेंगे। आपका लंबा तजुर्बा है राजनीति में, मध्य प्रदेश में ऐसी क्या वजह रही कि कमलनाथ जी का साथ छोड़ दिया अचानक? कभी कभी लगता है समझ में नहीं आई बात, क्योंकि जहाँ तक हम लोग भी दूर से देखते रहे तो महाराज की बात ना चलती हो ऐसी भी कोई बात नहीं थी। वो मुझे याद है माधवराव जी के आकस्मिक देहांत के बाद में एक दिन दिल्ली गया था मैं अर्जुन सिंह जी से मिलने के लिए। हम घर के बड़े भी थे, फादर के क्लास फेलो भी थे, पारिवारिक संबंध भी थे, तो उन्होंने एक, जैसे बुजुर्ग टिप देते हैं कि भाई ये करना, तो उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य से संपर्क रखना। उस समय माधवराव जी का जब देहांत हुआ था, उस समय अर्जुन सिंह जी ने बोला था कि इनसे संपर्क रखना। तो कांग्रेस में उनकी स्थिति क्या थी, मेरा उनसे कोई मिलना नहीं था। ज्योतिराज जी से मैं 2-4 बार मिला होंगे, 8-10 बार मिला होंगे। एक बार दिल्ली गया था उनसे मिलने के लिए, 370 वाला मामला चल रहा था, संयोग से समय वो था, वरना मेरी बहुत घनिष्ठ मुलाकात उनसे नहीं थी। वो बड़ा स्नेह आदर देते थे जब मिलते थे, मुलाकात कहीं भी होती थी, लेकिन उनकी पोजीशन कांग्रेस में क्या थी मैं उस समय से देख रहा हूँ। मेरा कोई उनसे कांटेक्ट नहीं था, उम्र में भी फर्क है तो थोड़ा वो भी एक लिहाज हो जाता होगा, मौका नहीं था मिलने का। कोई बात ही नहीं थी कि उनको ऐसा लगना चाहिए था कि पार्टी छोड़नी पड़े, लेकिन हुआ, कोई ना कोई ऐसा कारण हुआ। पार्टी के अंदर इस पर कहीं अंकुश नहीं रहता? किसी नेता की अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या इस पर गौर नहीं किया जाता? हम लोग देखिए, हाई कमांड से हम लोग बहुत दूर हैं, वहाँ क्या होता है हम लोग को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रहती, लेकिन वहाँ से आने वाली बातों में एक आध बात अगर कुछ जो आदमी सोचता है सुन के कि भाई कैसा है, किधर कैसा वेटेज है, किसका क्या वजन है, तो हम लोग यही सुनते हैं, सुनते थे कि राहुल जी के यहाँ बिना रोक टोक के कमरे में जाने वाले लोग अगर कोई थे तो उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया था। अगर जाना है कमरे में, यहाँ पर आए अपन, घर में जाना है, मेरे कमरे में जाना है, तो वो सीधे कमरे में जा सकते थे। कोई वो नहीं था कि एक फॉर्मेलिटी, एक प्रोटोकॉल कि नहीं बैठिए, हम बुलाते हैं, ये करिए। जहाँ ऐसे संबंध हैं तो दुराव का क्या सवाल। एक चीज़ और कई बार आती है, खबरों के जरिए भी आती है, चर्चाएँ होती हैं, उसमें भी निकलती है कि जब छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चयन हो रहा था, तब ये बात आई थी कि कुछ समय
कमलनाथ जी शासन कर लेंगे, फिर कुछ समय ज्योतिरादित्य जी कर लेंगे। ऐसे ही राजस्थान के बारे में सुनने के लिए आया था, ऐसे ही छत्तीसगढ़ के बारे में बातें रहती हैं, स्पेकुलेशन रहता है, हर प्रकार का स्पेकुलेशन रहता है। और ये बातें प्योरली देखिए हाई कमांड के निर्णय की होती है, नीचे स्तर का इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह है सबकी, लेकिन निर्णय हाई कमांड लेता है, किसी भी दल का हाई कमांड निर्णय लेता है। तो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, ये फ्लूइड स्थिति बनी रहती है, तरल स्थिति बनी रहती है, कोई ठहराव इसमें नहीं रहता है कि यही होगा, यही होगा, यही होगा। राजनीति हो या ऐसी गतिविधियां हैं, वो परिस्थिति के अनुसार चलती हैं। तो उसमें फिर स्पेकुलेशन होता है कि भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, ये भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं, बाकी ये यहाँ के लेवल का नहीं रहता। तो छत्तीसगढ़ को लेकर भी ऐसा कोई समझौता था? नहीं, समझौते ऐसे नहीं होते, हाई कमांड से चर्चाएं होती हैं, बाकी फिर निर्णय हाई कमांड करे। आप जिस तरह वर्किंग करते हैं आम लोगों के बीच में जाके, और तो कभी ये इच्छा नहीं होती, लोग आपसे लगातार, आपके तमाम चाहने वाले मुझसे भी जुड़े हुए हैं, सबकी बड़ी इच्छा है कि एक बार आप मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ के। हाई कमांड का विशेष अधिकार है। आप खुद क्या सोचते हैं? हाई कमांड जो जिम्मेदारी लेगी उसको निभाएंगे। और अभी समय लगभग 2 बरस पूरे करने के बाद ये कहीं लगता है कि क्या प्रायोरिटी पे अब भी बड़ी चीज़ें छत्तीसगढ़ में करने के लिए? बहुत बाकी है करने को, तो काम देखिए कभी ख़त्म नहीं होता। आपने अगर एक मैनिफेस्टो भी बनाया, ठीक है, अब मैं ये थोड़ा हल्के में कह रहा हूँ, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि लागू हो जाएगा तो आगे बचेगा क्या करने को। नहीं, ये इसमें इतनी बातें आ गई हैं, क्योंकि ये है तो 5 साल के लिए, ये कोई 25 साल वाली योजना नहीं थी, 5-year plan भी नहीं। 5-year plan एक तरह से था कि ये इस शासन के कार्यकाल में करना है, और उतना करने के बाद भी लोगों का कहना रहता है कि फिर बचेगा क्या करने को। तो करने को बहुत है, आर्थिक सीमाएं रहती हैं। राहुल जी का पहला सवाल था जब और देखिए यही लीडरशिप, पारदर्शी लीडरशिप है, उन्होंने घोषणा पत्र पूरे मीडिया के सामने, देश भी देख रहा होगा, देश के दर्शक भी देख रहे होंगे, जारी हुआ घोषणा पत्र, और पूरे मीडिया के सामने मेरे से पहला सवाल था कि ये कागज है, ये ऐसा घोषणा पत्र है कि करोगे कैसे, करोगे व्यवस्था है कि नहीं, सोचा है कि नहीं, वित्तीय प्रबंधन है कि नहीं, तो ये उनका पहला सवाल था। इधर उन्होंने विमोचन किया, घोषणा पत्र आया, फोटोग्राफ्स आए, और मीडिया से पहला सवाल राहुल जी का यही था। तो हाई कमांड को दिखा के हम लोग करते हैं, जो भी होता है प्रस्ताव भेजते हैं, उन लोग भी पूछते हैं, इनपुट्स देते हैं, और फिर क्या सोच के बनाया है वो लोकल लीडरशिप के ऊपर छोड़ते हैं। तो ये जो घोषणा पत्र है इसमें बहुत अभी संभावनाएँ हैं काम करने की, सोशल सेक्टर में गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, कर्मचारी हैं, इनके सेक्टर में, हेल्थ केयर के सेक्टर में, महिलाओं के एक बड़ा वर्ग जो है छत्तीसगढ़ में वो किसानों का है, पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी किसान है, और धान के किसानों की अपनी अलग किस्म की समस्या होती है। इसी बीच में 3 कृषि बिल आते हैं, केंद्र सरकार लेके आती है, उसका कांग्रेस जबरदस्त विरोध करती है। ये वास्तव में कृषि बिल है ही नहीं, ये कृषि उत्पाद के विक्रय के बिल हैं, ये कृषि उत्पाद के व्यवसाय से जुड़े हुए 3 बिल के अंग हैं, आप उसको देख लीजिए कि उसमें प्रावधान क्या है। इसमें विरोध का कारण क्या है? किसान को अगर आपने मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया तो उसके दाम को आप सुनिश्चित कैसे करेंगे? आपका क्या कहना है, आज छत्तीसगढ़ में भी धान की खेती होती है, खरीफ में भी धान लगता है, रबी में भी धान लगता है, खरीफ में जो धान होता है, आज छत्तीसगढ़ सरकार 15 क्विंटल धान, 1 एकड़ के पीछे 15 क्विंटल धान एक दाम पे खरीदने का उन्होंने आश्वासन दिया है। कई क्षेत्र हैं जो छत्तीसगढ़ के जिसमें 15 क्विंटल नहीं, 25 क्विंटल, 28 क्विंटल, 30 क्विंटल भी उत्पादन होता, कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा भी। तो जो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान उठाते हैं, बाकी धान कितने रुपए में उठता है? जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1888 रुपया, 1867 और 1888,
केंद्र सरकार की प्राइस कमेटी ने इस साल का धान का भाव तय किया, तो वो आप छत्तीसगढ़ सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी करती है, छत्तीसगढ़ में ही 15 क्विंटल से ऊपर का जो उपज है उसका क्या भाव मिलता है बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य के, और जो आप गर्मी का धान लेते हैं उसका क्या भाव मिलता है, 1200-1300 रुपए क्विंटल से ज्यादा मिल जाए तो आप देखिए ओपन मार्केट में। तो सरकार अभी प्रधानमंत्री जी तो ये कह रहे थे कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे थे कि नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा। आप भी समाज के जिम्मेदार स्थान पे हैं, मैं भी हूँ, काला धन समाप्त हो गया क्या? बढ़ गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। ये जो दावा है ये साबित हुआ क्या? जीएसटी कानून 14-15 अगस्त के दरमियान रात को दोनों सदन को बुला के मान लो कि एक नई आज़ादी मिल रही है जीएसटी में, सीतारमन मैम का स्टेटमेंट आया कि जीएसटी तो फेल हो गया, या फेल नहीं कहा उन्होंने कि उतना सफल नहीं हो पाया। तो चीन के बॉर्डर में क्या हो रहा है, कोई नहीं, हमारे एक इंच जमीन नहीं गई, फिर मीडिया क्या दिखा रहा है कि वहाँ पर अरुणाचल में ये बन गया? या तो मीडिया के ऊपर आप कार्रवाई करो, हम लोग को प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, मीडिया कुछ दिखा रहा है, कौन सही कह रहा है? डोकलम में हुआ उसमें मीडिया ने कहा कि नहीं यहाँ से यहाँ आ गए, पहले तो इतना था, ये नदी का संगम है, यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर ऐसा था, खाली था, कुछ नहीं था, ये नियंत्रण की रेखा थी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मीडिया कुछ और कह रहा है, कौन सही कह रहा है? तो विश्वास फिर कितना रहेगा आप बताओ। यही जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने जीएसटी का भरपूर विरोध किया, बिल्कुल नहीं जीएसटी नहीं, जीएसटी नहीं, जीएसटी नहीं, प्रधानमंत्री बने जीएसटी जीएसटी, एफडीआई बिल्कुल एफडीआई नहीं, बिल्कुल एफडीआई नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी कांग्रेस के समय, अब एफडीआई, वही मुख्यमंत्री है ना जो आज प्रधानमंत्री बन गए। धान के बारे में, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था इसके संदर्भ में अपना फीडबैक देने के लिए, वही नरेंद्र मोदी जी ने कि नहीं सरकार की जो खरीदी है उसमें सरकार की बात हम मान लेंगे, जो कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में हम खरीदेंगे तो सरकार कह रही है तो खरीदेगी, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कानूनन न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, ये कहने वाले नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में, आज क्या हो गया, ऑन रिकॉर्ड है ये भी लिखा गया कि सारी चीजें जो कांग्रेस करना चाहती थी अगर वो नरेंद्र मोदी ने कर दी तो उसमें गलत क्या है? कांग्रेस क्या नोटबंदी इस तरीके से करना चाहती थी? जीएसटी कांग्रेस भी लेके आने लेके आना चाहती थी, लाना चाहती थी क्या? इस तरीके से नहीं था, आप पॉइंट ऑफ सेल पे लगा रहे हैं या पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर पे लगा रहे हैं, जिस तरह से आपने बिना पूरी तैयारी के जीएसटी कानूनों को कांग्रेस सरकार में भी बदलना चाहती थी, समर्थन के मूल में कभी नहीं, कांग्रेस ने कहा कि और स्कोप होना चाहिए बिक्री करने का, तो किसानों को आप ऑप्शन दीजिए और दाम, किसान को क्या चाहिए, तीन चीज चाहिए, एक जो सामान लगाएगा वो सस्ता हो, जुताई के सामान होंगे, चाहे बीज होगा, चाहे खाद होगा, ये सस्ता होना चाहिए, लेबर तो किसान मांग नहीं सकता है कि सस्ता हो, एक और वर्ग को हानि करेगा, दूसरा पानी उसको होना चाहिए, तीसरा दाम उसको होना चाहिए, किसान की आप कह रहे हो कि हम आमदनी डबल करेंगे, मोदी जी का यही कहना है ना कि किसान की आमदनी हम 2025 तक, या कौन सा साल उन्होंने बोला हुआ है कि इसकी किसान की आमदनी हमको डबल करनी है, तो मार्केट फोर्सेस लाने पे अगर धान की कीमत डबल होने वाली है, वही कह रहे हैं ना डबल होने वाली है, तो आज कितना आप दे रहे हो 1868 रुपए, डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3732 रुपए, तो 3732 रुपए की जगह में 1866 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य हाँ कहने में दिक्कत क्यों हो रही? किसान को आप कह रहे हैं ना कि तो उन्होंने सदन में कहा कि एमएसपी तो जारी रहेगा, वो तो कह रहे हैं, उन्होंने तो बहुत चीज कही, नोटबंदी के बारे में कहा था ना कि इस तारीख तक देख लो, तो अगर सब ठीक नहीं हुआ तो मैं चौक में खड़ा हो जाऊंगा और वगैरह वगैरह, तो बहुत सारी चीज बोलते हैं, विश्वास नहीं रह गया, विश्वास उनकी बात पे वो विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ ना कहें तो भी चलेगा, पर कह रहे हैं और उस बात में फर्क है तो वो बात फिर विश्वास। फिर सिंहदेव साहब, उनका जनाधार लगातार बढ़ा क्यों? बढ़ता है घटेगा भी, बढ़ा तो आपने खुद ही सबसे पहले पूछा था, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रचार, दुष्प्रचार, लोगों के मन में बात उतर गई,
कि हाँ भाई ये 56 इंच की छाती भी है, हाँ मर्द आदमी है, बोल्ड आदमी है, अब तो दाढ़ी बढ़ गई, अब तो वो 56 इंच वाली बात नहीं हो रही, नए इमेज में वो सामने आ रहे, नए अवतार में अपने आप को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो वो सब ठीक है। मेरा केवल इतना है कि अगर आपने किसी बिंदु पे कुछ एक लेवल पे कहा और वो भी देश के टॉप मोस्ट जनप्रतिनिधि के रूप में, तो फिर वो बात होनी चाहिए, चाहे वो चाइना के संदर्भ में हो, चाहे डोकलम के संबंध संदर्भ में हो, चाहे वो अरुणाचल के संदर्भ में हो, चाहे वो आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से लेकर हर नेता को जो भी कहें कम से कम उसे पूरा करने का मादा रखना चाहिए, जो कहें वो सही होना चाहिए, नहीं तो मत कहिए, अगर कोई ऑकवर्ड चीज़ है कहने में अटपटा लगे कि नहीं ये थोड़ा हमको नीचा दिखाएगा, मत बोलिए उसके बारे में, पर बोलिए तो फिर सही होनी चाहिए। आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सुन रहे थे TS सिंहदेव साहब को, जो बहुत बेबाकी से साफ साफ बात कर रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने अंत में कही कि अगर कोई राजनेता किसी भी बात को कहता है तो उसको उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। विभाग बात में इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज़। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।